वेलकम टू जीसी क्लासेस, द आर्ट ऑफ एक्सीलेंस। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सभी को ये दिक्कत रहती है कि द हिंदू हम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। कई सारी ऐसी दिक्कतें रोज के रोज आती है और कई लोगों को तो द हिंदू मिल ही नहीं, तो वो सारी समस्याओं का आज से आपका दिक्कत खत्म हो गई है, क्योंकि जीसी क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए आया है। शॉर्ट और एनालाइज और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज आज की, डेली के डेली जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्लस में साथ में इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। पीडीएफ आपको नीचे गिवन में जो डिस्क्रिप्शन है वो ग्रुप से आप जुड़ जाइए, उसमें डेली के डेली अब पीडीएफ आपकी भेज दी जाएगी। ठीक है, तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास द हिंदू की। तो द हिंदू के पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन, और स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन कावेरी से। ये देखिए, ये जो इंडियन फ्लैग एक छोटी सी बच्ची लिए है, आप सभी को पता है कि ऑपरेशन कावेरी सूडान से जो इंडियन सूडान के अंदर रहते थे उनको इवैक्यूएट करा के लेके आया जाता है इंडिया के अंदर। क्यों लेके आया जा रहा है? क्योंकि सूडान में क्या हो गया था, सडनली इंटरनल वॉर की कगार पे सूडान आ गया है, बिकॉज ऑफ काफी सारे युद्ध हो रहे हैं और फाइट्स दो मिलिट्री ग्रुप्स में आपस में हो रही है, तो लोगों को अपनी जान का खतरा बना हुआ है, इसलिए लोग वहां से छोड़ छोड़ के दूसरी कंट्री में इवैक्यूएट हो रहे हैं। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है कि जिसमें सभी लोगों को वापस लेके आया जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे पेज नंबर 12। चलते हम आगे की तरफ। अब ये देखिए कि जो हमारे, ये कौन है, श्री राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, वो चाइना में पीस टॉक पे गए हैं पहली बार, कब, 2020 के बाद। देखो, टाइज डिपेंड ऑन पीस ऑन चाइना बॉर्डर, राजनाथ सिंह ने सीधा सीधा चाइना को बोल दिया है कि अगर कोई भी वॉयलेशन या एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इरोड किया गया या फिर हटाया गया, किसका, बाइलेटरल रिलेशन के ऊपर सीधा सीधा इफेक्ट। आप सभी को पता है कि चाइना के साथ तनातनी बनी हुई थी लद्दाख स्टैंड ऑफ में 2020 में, तो तब से कोई भी मीटिंग्स नहीं हुई, इंडिया ने काफी सारे सैंक्शंस भी लगाए हैं। तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और चाइनीज काउंटर पार्ट जनरल कौन है, ली शेंगफू, ये नई दिल्ली में इनकी मीटिंग। ठीक है, अब चलते हैं इसकी तरफ। आप सभी को पता है कि 2 दिन 3 दिन पहले क्या हुआ था, अभी दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में 10 जवानों शहीद हो गए थे, किसकी वजह से, माओइज्म की वजह से, नक्सलवाद की वजह से। ठीक है, तो जो सर्च करने वाले पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने ये सब जांच की और जांच में क्या पाया है कि आईईडी ने प्लांट किया था एक दिन या 2 दिन पहले, जो बॉम्ब प्लांट किया गया था वो लगभग 2 दिन पहले प्लांट। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक फॉर्मर ड्यू एड होक टीचर थे, नाम शर्मा जी, तो इन्हें इनकी जॉब से हटा दिया गया था। 33 साल के थे टोटल, तो इनके साथ क्या हुआ था कि ये इन्हें जॉब से हटा दिया गया, तो सडनली इनकी डेड बॉडी मिली है, तो उस बारे में पुलिस ने काफी सारी जांच भी की है। तो डीयू में इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये देखिए, डेमोक्रेटिक टीचर इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट नंदिता नारायण एट ए प्रोटेस्ट डिमांडिंग जस्टिस फॉर समरवीर सिंह। अब देखो क्या हुआ था कि पुलिस ने क्या बुलाए, उनके फैमिली और फ्रेंड के ऊपर एली किया है, 33 साल के थे वो डिस्ट्रेस थे काफी ज्यादा, एंड फेलिंग टू होल्ड जॉब, और वो अपनी जॉब भी असफल रहे। किस कॉलेज में पढ़ाते थे वो, द हिंदू कॉलेज फरवरी में।
और कजन जो समरवीर के हैं वो भी बहुत ज्यादा वरीड थे, उनकी फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब हो गई थी, फाउल सस्पेक्टेड था, तो बॉडी उनकी फैमिली को हैंड कर दी गई है आफ्टर पोस्टमार्टम। तो इसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया। चलते हम आगे की तरफ, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। चलेंगे सीधा पेज नंबर एक, ये बहुत ही प्यारी सी पिक्चर देखिए। इसमें क्या है कि हम्बल डोल टू सी यू डॉक्टर, ये एक पेंगुइन है ये देखने आई थी, और ये कौन है, डॉक्टर है, इनका नाम क्या है, डॉक्टर मधुमिता काले, ये एक वेटरनरी डॉक्टर है, ठीक है। और आज ये आपकी है वो मुंबई के अंदर की, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड पेंगुइन डे कब मनाया जाता है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वर्ल्ड पेंगुइन डे ये आपका 25 अप्रैल को मनाया, याद रखिएगा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हम आगे की तरफ, अब ये वाला पेज नंबर 11 की तरफ, ठीक है। अब ये वाला पेज काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं हम। देखिए, फ्रेश जज अपॉइंटेड मेड इन फोर हाई कोर्ट्स, चार अलग अलग हाई कोर्ट्स में टोटल 13 जज अपॉइंट किए गए, जिसमें से 11 आपके जुडिशियल ऑफिसर्स हैं और दो आपके एडवोकेट हैं जिन्हें प्रमोट कर दिया है एडिशनल जज और जज के रूप में। ये किस किस स्टेट में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। अकॉर्डिंग टू, और हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है, श्री किरण रिजिजू जी है, और ये 2 साल के लिए बनाए गए हैं। इसी के साथ एक ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है कि बूस्टिंग एफएम रेडियो कनेक्टिविटी विद न्यू रेडियो ट्रांसमीटर। अब देखो, 91 ट्रांसमीटर पीएम मोदी जी इनोग्रेट करेंगे एफएम ट्रांसमीटर, और ये कहाँ कहाँ जाएंगे, 84 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 18 स्टेट के अंदर, और 2 यूनियन टेरिटरी के, ठीक है। किस लैंडमार्क पे, जो आपका 100th एपिसोड है किसका, मन की बात, प्राइम मिनिस्टर मंथली रेडियो प्रोग्राम। अब चलते हैं आगे, जो 15,000 फार्मर्स हैं, फार्मर्स अंडर द एजिस ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा, फार्मर सेट आउट फुट मार्च इन अहमदाबाद टू प्रेस ए डिमांड लाइक एडिकेट कंपनसेशन फॉर लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्वायर की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके कंपनसेशन के लिए 15,000 फार्मर्स ने ऑल इंडिया किसान सभा के साथ मिलकर अप्रोच किया, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है अहमदनगर में गुजरात, ये बताया गया। अब WHO की एक और रिपोर्ट आई हुई है कि आपका 95% तक डेथ रेट कोविड की कम हो गई है, डेथ रेट काफी कम हो गई है, ये तो अच्छी बात है, बट अभी भी हमें सुरक्षा और सावधानी बरतने की रिक्वायरमेंट है। अब ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है कि टोटल 1550 टैंक्स या फिर कॉम्बैट व्हीकल्स नाटो के द्वारा यूक्रेन को दिए गए। नाटो के सेक्रेटरी कौन है, श्री जेंस स्टोल्टनबर्ग, कौन है, जेंस स्टोल्टनबर्ग, और ये ऑलमोस्ट 98% जितना नाटो ने प्रॉमिस किया था उसका 98% तक ऑलरेडी डिलीवर कर दिया, ये बताया गया है। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये देखिए, अभी क्या हुआ है कि पूरी अर्थ पे वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, और इस सेंचुरी में भी काफी ज्यादा इंक्रीज होने की रिक्वायरमेंट है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल
डिपार्टमेंट। देखिए, सी लेवल राइजिंग, सी लेवल कोजिंग लैंड इरोजन इन वेस्ट बंगाल। देखिए लैंड किस तरह से खराब कर दी गई बिकॉज ऑफ राइज इन सी लेवल। अब क्या हुआ, ग्लोबल सी लेवल कुड राइज बाय मोर देन 2 मीटर। अब 2 मीटर तक इंक्रीज हो जाएगा आपका, कब तक, 2100 सेंचुरी खत्म होते होते, ये एज्यूम किया जा रहा है, ये एक रिपोर्ट जारी। अब आपको पता है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एग्जाम में भी पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं, ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है। अब इसकी थीम क्या है 2023 की? थीम है आपकी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। तो ये इसकी थीम हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब चलते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। अब एक ये वाली न्यूज़ आपकी ऑलरेडी हमने बता दिया है कि क्या, ऑपरेशन कावेरी से रिलेटेड है, ऑपरेशन कावेरी। तो इसमें क्या हुआ है, भारत ने अपना थर्ड शिप, तीसरा शिप INS तरकश पोर्ट के सूडान पर भेज दिया है, जिससे कि सिटीजन्स को जल्दी से जल्दी इवैकुएट किया जा सके। फॉरेन सेक्रेटरी ने क्या कहा है, इवैकुएशन एफर्ट फेस चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ डीजल एंड बसेस, कोल सिचुएशन इन सूडान हाईली वोलाटाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल। अब देखो, जो सिचुएशन है सूडान के अंदर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो काफी इनफ्लामेबल सिचुएशन है, अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए लोग घबराए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया है, ग्रेटिट्यूड की जहाज एक्सप्रेस किया है सऊदी अरब फॉर द कोऑपरेशन ऑफ द ऑपरेशन कावेरी। अब ग्रेटिट्यूड कैसे, क्योंकि डीजल की रिक्वायरमेंट होती है काफी सारे, और फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी फुलफिल किसने की है, सऊदी अरब। और हमारे यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, श्री विनय मोहन क्वार्ता जी। कौन है, श्री विनय मोहन क्वार्ता जी। और कौन कौन से जहाज भेजे गए थे, ये C-130J के 2 एरोप्लेन्स भेजे गए हैं, INS-13 भेजा गया है, और आपका INS-3 तरकश, इसके साथ साथ आपका INS-सुमेध। तो ये आपका तीसरा वाटरशिप होगा, शिप होगा। पहला कौन सा है, INS-13, दूसरा INS-सुमेध, और तीसरा INS-तरकश। अब C-130J के 2 हैवी एयरक्राफ्ट लिफ्टर भी भेजे गए। तो ये पूरा का पूरा डिटेल्स आपको बता दी गई है, इसको आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF की नीड है तो आप हमारे ग्रुप से आज ही ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको PDF डेली के डेली मिलती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिमासा रिबेल ग्रुप ने साइन कर लिया है पीस पैक, किसके साथ, सेंटर और आसाम गवर्नमेंट के साथ, और वहां पे कौन मौजूद थे, हमारे गृह मंत्री कौन, अमित शाह जी। अब देखो, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA, या फिर दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल जिसे DPSC बोलते हैं, ये दोनों क्या थी, एक एंटी नेशनल पार्टी, एंटी नेशनल ग्रुप था, और ये आपका दिमाओ हसाओ डिस्ट्रिक्ट
में काफी ज्यादा आसाम के दिमाओ हसाओ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करता था, काफी ज्यादा एक्टिव था। तो इन्होंने पीस पैक एग्रीमेंट इंडियन स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के साथ साइन कर लिया है। किसकी प्रेजेंस में? यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी और चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम श्री हिमंता बिस्व शर्मा जी। कब किया इन्होंने? थर्सडे में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अमित शाह जी ने कहा है कि अब आसाम में कोई भी एंटी नेशनल ग्रुप नहीं बचा, एंड वी विल डेवलप हियर विद आर रैपिड पेस। चलते हैं हम आगे की तरफ। तो एक ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 13 पे। ये कौन है? श्री बलजीत कौर जी है। अब बलजीत कौर जी कौन है? एक अवॉर्ड विनिंग माउंटेनियर है, जो कि पहली ऐसी इंडियन है जिन्होंने क्लाइम किया है 5 8,000 मीटर पीक्स इन ए सिंगल सीजन। एक सिंगल सीजन में 5 बार इन्होंने 8,000 मीटर पीक्स को पार किया है, और ये इंडियन माउंटेनियर है। कौन, क्या नाम है इनका? बलजीत कौर जी, याद रखिएगा, एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है। तो इनके साथ क्या हुआ था कि 18 अप्रैल को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रैक जिसे माना जाता है, क्या नाम है उसका? अन्नपूर्णा फर्स्ट, वहां पे ये सडनली गायब हो गई। तो इन मिस हुई जैसे, तो रात भर इन्होंने विदाउट ऑक्सीजन के, सबने इन्हें ऐसा मान लिया था कि जैसे कि इनकी मृत्यु हो गई है, बट फाइनली ये सेफ है और इनको रेस्क्यू कर लिया। ये एक 27 ईयर ओल्ड वोमेन है जो कि सोलान हिमाचल प्रदेश की से बिलोंग करती है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये सोलान हिमाचल प्रदेश की है। क्या नाम है? बलजीत कौर, एक माउंटेनियर है। आगे चलते हैं हम अगले। अब देखिए, 4 लगातार इस वीक में सेम सेक्स मैरिज को लेके लगातार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। तो कल भी हियरिंग हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि कंसेशियस ऑफ अवर लिमिटेशन एज ए कोर्ट सेज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, द सुप्रीम कोर्ट से इट कैन फैसिलिटेट सॉल्यूशन फॉर डे टू डे ह्यूमन कंसर्न। क्योंकि कोर्ट की अपनी एक लिमिटेशन है, तो चंद्रचूड़ जी ने, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसिलिट सॉल्यूशन नहीं हो पाए, तो डे टू डे ह्यूमन कंसर्न को भी हियर कर सकता है, इसके कोहेबिटिंग पार्टनर विदाउट टचिंग अपॉन द इश्यू ऑफ द लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सेम सेक्स, और बिना टच के किसका? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिज। तुषार मेहता जी, जो आपके, जो हमारे इंडिया के सोलिसिटर जनरल है, उन वो क्या बोलते हैं कि एक्सेप्ट फॉर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप एज मैरिज, इफ देयर आर प्रॉब्लम्स दे सेम सेक्स कपल्स फेस, दे कैन बी एड्रेस्ड इन सुप्रीम कोर्ट टू। तो ये बताया गया है, ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलते हैं हम आगे की तरफ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कर्नाटक में वोट्स होने वाले हैं, तो इस बार ये 1978 से लेकर 2018 तक, अब तक कितने वोमेन विनर्स हुए, कितने वोमेन कैंडिडेट्स ने भाग लिया, कितने टोटल कैंडिडेट्स ने भाग लिया, ये दिखाया गया है। चलते हैं हम आगे की तरफ। पेज नंबर 15 पे देखिए, जो यूएस टॉक शो होस्ट करते थे, कौन? जेरी स्प्रिंगर, उनकी मृत्यु हो गई है 79 की एज। याद रखिएगा, जेरी स्प्रिंगर एक टीवी एंकर थे जो कि यूएस टॉक शो को होस्ट किया करते थे। चलते हम आगे की तरफ। अब कराची पाकिस्तान में 7 किल्ड इन एन अनएक्सप्लेन्ड फायर, पैसेंजर इन ट्रेन इन साउथ पाकिस्तान। तो एक ट्रेन में आग लगने की वजह से 7 पैसेंजर की मृत्यु हो गई, कहाँ? साउथ पाकिस्तान में।
अब एक ये चीज आपको बताई दी गई है कि अब तक नाटो ने टोटल कितने 98% तक जो यूक्रेन को टोटल हथियार मिलने थे उसका 98% तक ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें 230 टैंक हो गए और 1550 आर्मर्ड व्हीकल्स हो गए। नाटो के चीफ, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, कौन है? जेंस टोल्टनबर्ग। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए, खालिस्तान यूके के अंदर काफी ज्यादा एक्सट्रीम या एक्टिव हो गया है सडन। तो एक्टिव होने की वजह से जो यूके गवर्नमेंट है वो उन्होंने एक पैनल बनाया है इसको रिव्यू करने, ये बताया गया है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये एक छोटा सा हिंदू ग्रुप है जो कि अपने होने पे काफी पैशनेट है अपनी आइडेंटिफिकेशन को लेके, इसीलिए ये प्रोटेस्ट कर रहा है। अब देखिए, एक्टिविस्ट ऑफ द खालिस्तान प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द, कहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था ये? इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। ये क्या बोलता है कि एक स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ ब्रिटिश हिंदूज है जो कि मोर पैशनेट है अपनी आइडेंटिफिकेशन को लेके एज ए हिंदू पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन इंडिया। इन कॉन्ट्रास्ट टू अर्लियर जनरेशन ऑफ ब्रिटिश हिंदूज, ए नेशनलिस्ट मूवमेंट हैव बिकम समवेयर मोर, ये बताया गया है। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब एयर इंडिया में एक 1000 पायलट्स की जॉब्स निकलने वाली है, क्योंकि तो एयर इंडिया क्या कर रही है, अपनी फ्लीट को एक्सपेंड कर रही है टाटा ग्रुप के साथ ज्वाइन करने के बाद। चलते हैं हम आगे की तरफ। आप सभी को पता होगा कि शक्तिकांत दास जी हमारे आरबीआई के चीफ हैं, या फिर आरबीआई गवर्नर भी आप इनको कह सकते हैं। तो आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने क्या अर्ज किया है बैंकों को कि आप फाइनेंशियल रिस्क को देखते हुए किसी को लोन दीजिएगा और अपने आप को रिसाइलेंट, मतलब अच्छे से स्ट्रोंग कीजिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपनी कैपिटल को, और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। इसके बारे में बताया है किसने? श्री शक्तिकांत दास जी ने। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब पेज नंबर 17 पे ये देखिए स्पोर्ट्स में क्या हुआ है। वाशिंगटन सुंदर को इंजरी हो गई है और ये बाकी के बचे हुए आईपीएल के मैच नहीं खेल पाएंगे, ये आपके सनराइजर हैदराबाद। चलते हैं हम आगे की तरफ। कल की न्यूज देख लीजिए, राजस्थान रॉयल्स ने धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। चलते हैं हम आगे की तरफ। देखिए, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चीफ कौन है? श्री पीटी उषा जी। और जॉइंट सेक्रेटरी कौन है? कल्याण चौबे, इनका नाम याद रखिएगा। उन्होंने क्या क्लेम किया है प्रोटेस्ट टालने के, जो प्रोटेस्ट हो रहा है किसकी तरफ से? रेसलर्स की तरफ से। उन्होंने क्या किया है कि वो कंट्री की इमेज को खराब कर रहा है। जो भी बात होगी प्रोटेस्ट को खत्म करने पे जोर दिया जा रहा है और जो भी बात की जाएगी उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे कि सारी चीजें ठीक हो सके और जो दोषी है उनको सजा दी जा सके और हमारी जो आने वाली यंग जनरेशन है उसको रेसलिंग के लिए तैयार किया जा सके और बेटर वे में प्रोड्यूस किया जा सके, जिससे कि देश के लिए नए नए या फिर ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक में मेडल। एक ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशियन की यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी कहाँ? तशकंद उज्बेकिस्तान में, जिसमें प्रियांशु और राहुल ने 1500 मीटर में गोल्ड और सिल्वर जीत लिया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, प्रियांशु और राहुल, इन्होंने 1500 मीटर में गोल्ड जीता, इसने गोल्ड जीता है, एक ने सिल्वर। चलते हैं हम आगे की तरफ। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम।
फटाफट, फिर क्लास को एंड करेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि आज से ठीक 100 इयर्स पहले ओरिजिनल वेम्बले स्टेडियम की शुरुआत की गई थी, और ये कहाँ के लिए खोला गया था? लंदन में। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं हम अपने क्यूज की तरफ। आपको पहला क्विज है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है, कंक्रीट इज द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट यूज्ड। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? वाटर, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे कौन यूज होता है? कंक्रीट। अभी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं कंक्रीट के? आपका सीमेंट की फॉर्म में बहुत यूज होता है, सीमेंट के साथ। द बैक्टेरियम स्पोरेंशियम पास्टूरी टेक्स कैल्शियम एंड यूरिया टू प्रोड्यूस कैल्साइट, ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम। तो बैक्टीरियम स्पोरेंशिया पास्टूराइम क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्साइट भी अगर आपका आता है तो कैल्साइट किसकी फॉर्म है? कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द कंक्रीट्स इनर्मस कार्बन फुटप्रिंट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ क्लिंकर। तो मोस्ट इनर्मस कार्बन फुटप्रिंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? क्लिंकर की वजह से। कंक्रीट और बिटुमेन क्या है? मेजर कल्प्रिट्स है अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट के, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कंक्रीट और बिटुमेन अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट के मेन कल्प्रिट्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, आपका ऐसा कौन सा डैम है जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी रखता है? तो ये आपका चाइना में है। क्या नाम है इसका? थ्री गोर्जेस डैम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।